यदि इंसान के इरादे मजबूत हो, सच्ची मेहनत और लगन से कोई कार्य करे तो पहाड़ में भी पैदावार संभव है। कुछ ऐसा ही कार्य किया है बिहार के कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के निवासी विजय शंकर सिंह। इन पहाड़ों के नीचे तलहटी पर आपको पौष्टिक सब्जियां मिलेगी। यहाँ थोड़ा नीचे उतरने पर मछलियों का भंडार है, बगीचा भी है, जंगली पेड़ों का नहीं फलदार पेड़ों का, और सेहत का खजाना है मुर्गी का व्यवसाय। जी हाँ, श्री सिंह ने समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती कर सालाना न सिर्फ लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि देश के अन्य किसानों को एक नई सीख देने की ओर अग्रसर हैं। मेरा नाम बी.एस. शंकर सिंह है, पिता का नाम बी.एस. शोभनाथ सिंह, ग्राम गोबरच, पंचायत पढ़ौती, प्रखंड भगवानपुर, कैमूर भभुआ का निवासी हूँ। समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत टमाटर, पपीता खेती, शिमला मिर्च जैसे और मसाला मिर्च के खेती करने के बाद मुर्गी पालन, पोखरा, मत्स्य पालन, ये भी मैंने करना शुरू कर दिया। इससे मुझे बहुत समिति की इसी प्लानिंग में मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसे फायदा करने के बाद मैंने बहुत विकास किया। विजय शंकर सिंह का कहना है कि समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती करने पर सालों भर कुछ न कुछ आमदनी मिलती रहती है। ये अपनी आधा एकड़ की जमीन पर तालाब का निर्माण कर व्यवसायिक मछली पालन भी कर रहे हैं। समिति कृषि के अंतर्गत तालाब का भी काम करते हैं। तालाब खड़े हैं, हाफ एकड़ में तालाब है, इसमें साल में एक बार प्रोडक्शन हमको होता है, अच्छा फायदा देता है। तालाब में रोहू है, नैन है, कतला है, ग्रासकर है, क्रास है, इस तरह मछली पालन करते हैं। हर सफलता के पीछे एक संघर्ष छुपा रहता है। विजय शंकर सिंह ने भी संघर्ष देखा। स्नातक पास श्री सिंह शुरुआती समय में खाद्यान्न फसलों की खेती करते थे, किंतु खेती में लागत अधिक, मुनाफा कम मिलता था। ऐसे में ये जिले में अवस्थित आत्मा कैमूर से संपर्क स्थापित किया। आत्मा के पदाधिकारियों ने इन्हें समेकित कृषि प्रणाली के तहत खेती करने की सलाह दी और प्रशिक्षण दिलवाया, फिर शुरू हुआ आगे बढ़ने का सिलसिला। खाद्यान्न फसलों की खेती करने के बाद मुझे अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो 2013-14 में आत्मा कैमूर के सहयोग से मुझे कृषि विज्ञान केंद्र धौरा प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण में वहाँ गया और वहाँ जाने के बाद मुझे प्रशिक्षण में पपीता की खेती के बारे में, बीज के बारे में, अच्छे अच्छे वैराइटीज के बारे में लोग जानकारी दिए। फल खेती या सब्जी खेती करेंगे तो अच्छा फायदा होगा, इसलिए मैंने पपीता का खेती शुरू किया, एक बीघा खेती शुरू किया। एक बीघा खेती किया, पपीता बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छा फल दिया और स्थानीय बाज़ार में मैंने बेचकर बहुत अच्छा फायदा मुनाफा कमाया। 2015-16 में मुझे जिला में उद्यान प्रदर्शनी लगाया गया था, उसमें मैं गया, वहाँ पर मुझे प्रथम पुरस्कार जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे प्राप्त किया गया था। 2017-18 में अधौरा में उद्यान प्रदर्शनी लगा था, वहाँ पर मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। यहाँ आत्मा के सहयोग से ही मुझे सब संभव हुआ। पपीता खेती के बाद मुझे सब्जी खेती का भी रुचि जगा और सब्जी खेती का भी मैंने रुचि किया, जैसे अच्छे अच्छे वैराइटीज, जैसे भिनियार कंपनी का है, टमाटर 3357 है लगाते हैं, उसके बाद गोल्डन का है, मिर्चा है, वो भी लगाते हैं। आज विजय शंकर सिंह की सफलता एक मिसाल बन गई है। इनके पास सब कुछ है, सिर्फ खेती की बदौलत। आप भी श्री सिंह की तरह सफलता प्राप्त कर सकते हैं।